सभी दोस्तों का नमस्कार, गुरुजनों को प्रणाम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल में जड़ी बूटों की आप लोगों को पहचान कराता हूँ, तो इसी कड़ी में आज का मेरा पेड़ है बालम खीरा, जिसके बारे में कहावत है, बचपन से सुनता है, बालम खीरा पेड़ को बना दे हीरा। तो आप लोग देखेंगे तो इसका कैसे प्रयोग करना है वो तो मैं बाद में बताऊँगा। और आप पेड़ की पहचान करने से पहले आप अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अन्य जड़ी बूटी की पहचान भी मिलती है। तो हम बात करते हैं इसके पत्ते से, आप देखेंगे तो पत्ता इस डिज़ाइन में है। ये फलता भी फूल रही है, जून जुलाई से लेकर के नवंबर तक मिल जाता है हमें, तो इसके फल भी दिखाऊंगा आपको। तो ये इसके पत्ते हैं, इसका पेड़ जो है एक जामुन की पेड़ की तरह बड़ा हो जाता है, इसमें ये पुराना जड़ भी है। इसके फल आपको मैं इधर दिखाता हूँ, इधर लगे पड़े हैं काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं। बालम खीरा बोलते हैं, आप देख रहे हो कि खीरे की तरह होता है और बड़े बड़े होते हैं बिल्कुल। ये पत्थर मारा गया थोड़ा गया तो पीछे में भी लगे पड़े यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं कि खीरे की तरह है, इसीलिए इसे बालम खीरा बोलते हैं। और ये पक चुके हैं पूरे परिपक्व अवस्था में, और ये इसके अंदर इतना जाल होता है कि ना तो कुटते हैं ना पिसते हैं, तुरंत बनाना बड़ा मुश्किल होता है इसका। जब कच्चा होता है तभी इसको जुलाई अगस्त में बनाया जाता है। अगर मुझे अभी जरूरत पड़ी तो मैं ढूंढने आया हूँ, तो वो लेने आया हूँ, तो आपको मैंने इसकी पहचान भी बता दी। और ये पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, पेट में कब्ज अपच जितनी भी पेट की समस्या है सब में काम करता है। तो इसी तरीके से ये गुर्दे के लिए भी काम कारगर है, और गुर्दे की पथरी तक निकाल देता है। तो मैं इसमें ज़्यादा समय ना लेते हो, आप लोगों को जो बता दिया इसी आप लोगों ने देखा और इसको पहचान के लिए, यहाँ देखिए कितने लगे हुए हैं। तो ये बरेली के पास में ही है, आप देख सकते हैं। मैं अभी इसको कुछ तो मैंने तोड़वा लिया, और 8-10 तोड़ूँगा फिर लेके जाऊँगा घर पे, फिर देखते हैं इसका क्या प्रयोग करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो देखा, शायद इसको आप पहचान लेंगे कभी भी अगर सड़क किनारे जाएंगे तो, और इसको अपने पास जरूर रख लीजिएगा, समय पड़ते आपको काम आएगा। इसी के साथ ही आप लोगों ने वीडियो देखा, धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय से सारी वीडियो मिलकर रहे और मेरा भी फायदा होता रहे। जय हिंद, जय भारत।